टीम सोल सैच, अभी भी 3 गेम्स बचे हैं, 3 गेम्स में कुछ भी हो सकता है, सो वी डोंट नो। सोल का कुछ बताओ भाई। आई थिंक अर्ली फाइट्स गुड, रोटेशन के दौरान प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉबी अलग है, दे डीलिंग विथ इट। कल टारगेट होंगे प्रोबेबली, हाँ होंगे ही होंगे ही, मतलब ये तो रीत है, बट आपको यही तो है, मतलब आई डोंट थिंक टारगेटिंग इज़ अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अपने एंटायर टूर्नामेंट को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने जाओ, अगर आपको लगता है कि एक टीम आपकी कॉम्पिटिटर है और आपके पास मौका है उनको यहाँ से बाहर करने का, तो क्यों ना करो आप, कोई भी करता। तो आई वॉन्ट ब्लेम द अदर टीम्स एंड टीम सोल, अब जिस पोजिशन पे है उनके पास ज़्यादा मैचेस नहीं बचे, बस 3 मैचेस बचे हैं। पॉसिबल है अगर एक चिकन डिनर मिल जाता है लेट से 20-22 पॉइंट्स का, और बाकी गेम्स में चलो 5-5 पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं, देन वो तो जाना चाहिए, बिकॉज अभी भी देखो मामला बिगड़ा नहीं है। बिकॉज कितना, 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है आई गेस, 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड देन एनीथिंग कैन हैपन यार, एनीथिंग कैन हैपन। एज अ TX फैन हम लोगों ने बहुत ट्रोल सहा है, आज खुश होने का मौका मिला है, थैंक यू। फाइनल्स में टॉप 3 मांगता है एटलीस्ट, हम लोग तो जीतने का ट्राई करेंगे गाइस, टॉप 3 नहीं जीतने की कोशिश करेंगे। भाई सोल का क्या लगता है, होंगे क्या क्वालिफाई? सोल के अभी कितने पॉइंट्स है? 54 है अभी सोल के, तो वही है ना, 86 कट ऑफ जाएगा, निकल 32 पॉइंट्स चाहिए मेरे हिसाब से। 86 भी यार मतलब एकदम मैक्स, नहीं तो 80 में भी बात खत्म हो सकती है। 86 ओवर तो कुछ भी हो जाए नहीं जा सकता, उसके बाद सीधा वही दिखेंगे एंट्री में। टीम एक्स वैसे बात लैन देखने आ कौन कौन रहा है ये तो बताओ चैट में, आ कौन कौन रहा है लैन देखने तुम में से? 3 ही दिन का लैन तो है, आ ही सकते हो, एक दिन तो आ ही सकते हैं कोई भी, मुंबई के लोग जो भी है, मुंबई की पब्लिक। फाइनल्स में मिलते हैं लॉन्डो, आ जाने याद से भाई लैंड पे सब लोग, मजा आएगा इस बार। और बाय द वे हम लैंड में मिलने वाले सबसे, सो मेक श्योर आप लोग लैंड मिस आउट मत करना इस बार, लैंड में फुल पावर फाड़ेंगे।